हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड बंगाल। साथ ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो उस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स। उनका पीरियड था 1772 टू 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1750 में एज अ क्लर्क ज्वाइन की थी और मात्र 20 सालों में वो गवर्नर जनरल बन गए। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो वॉरेन हेस्टिंग्स के रूल में हुए। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी 1608 में। बट बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर के रूप में उभर रही थी और कुछ ही समय में ये एक्सपेंड होकर पूरे इंडिया में फैल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में रूल करना शुरू कर चुकी थी, उसको सही तरह से मैनेज करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया। 1773 तक इंडिया में ऑलरेडी तीन प्रेसिडेंसीज बन चुकी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी को हेड कर रहे थे गवर्नर ऑफ मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी को हेड कर रहे थे गवर्नर ऑफ बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को हेड कर रहे थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। तो बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई जिसमें एक गवर्नर जनरल होगा जिसको चूज करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा इस गवर्निंग बॉडी में चार मेंबर्स ऑफ सुप्रीम काउंसिल होंगे। इन मेंबर्स को चूज करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। गवर्नर जनरल को कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करने से पहले इन चार मेंबर्स से डिस्कस करना होगा और फैसला मेजोरिटी वोटिंग से होगा। इसका मतलब ये कि अगर गवर्नर जनरल को कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करना है तो एटलीस्ट दो मेंबर्स को ये फैसला एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने इंडिया में ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी एंड कर दिया था। बेसिकली इंडिया में ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। देखते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। बेसिकली ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से किसी भी टेरिटरी की निज़ामियत या फिर हम लोग बोलें ज्यूरिसडिक्शन वहाँ के निज़ाम के हाथ में रहेगा, लेकिन उसी टेरिटरी का दीवानी राइट्स यानी कि फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होगा। इस सिस्टम के प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स बहुत ही करप्ट हो गए थे। इनफैक्ट एक टाइम पर यह सिचुएशन बन गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज तो बहुत अमीर हो गए थे लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपने आप बैंक्रप्ट होने जा रही थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। इससे पहले इस पोजीशन को गवर्नर ऑफ बंगाल कहते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इस पीरियड का था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो स्टार्ट हुआ था 1775 में और एंड हुआ था 1782 में। चलिए देखते हैं इस वॉर की डिटेल्स। बेसिकली मराठाओं के पेशवा थे बालाजी बाजीराव और उनके भाई थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव भाई को हटाकर खुद पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन हर कोशिश फेल होने के बाद रघुनाथ ने वॉरेन हेस्टिंग्स को अप्रोच किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन की, जिस ट्रीटी का नाम था सूरत ट्रीटी ऑफ 1775। इस ट्रीटी की कंडीशंस के हिसाब से रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर 1775 में पेशवा बालाजी बाजीराव पर अटैक कर दिया और शुरू हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। लेकिन मराठाओं ने डटकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया और ये मैच ड्रॉ हो गया। 7 साल चली इस लड़ाई में कोई निर्णय नहीं निकला और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सलबाई।
इस ट्रीटी से मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में पीस रिस्टोर हुआ। 1784 में आया पिट इंडिया एक्ट। जैसा कि हमने देखा कि 1773 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया गया था, उसके 10 साल के बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ करेक्शंस के लिए पिट इंडिया एक्ट पास किया गया था। पिट इंडिया एक्ट के हिसाब से अब इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉइंटली रूल करेंगे। बेसिकली इंडिया को रूल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी रिपोर्ट करेगी ब्रिटिश क्राउन को। इसके अलावा गवर्नर जनरल्स काउंसिल की स्ट्रेंथ जो पहले 4 थी उसे घटाकर 3 कर दिया गया, प्लस गवर्नर जनरल को राइट टू वीटो दे दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं रोहिल्ला वॉर, जो 1774 में हुआ था रोहिल्ला और अवध के नवाब के बीच में। रोहिलखंड एक छोटा सा किंगडम था जिसके अच्छे रिलेशंस थे अवध के नवाब के साथ, बट मराठा रोहिलखंड को एक्वायर करने की तैयारी में लगे हुए थे। तो रोहिलखंड ने अपने दोस्त नवाब अवध से बोला कि भाई मेरी मदद करो। नवाब अवध ने बोला कि मदद तो जरूर करेंगे पर पैसे लगेंगे, तो 40 लाख की कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। तो इस डिमांड के साथ रोहिलखंड ने भी एग्री कर लिया, उसको ये बात मंजूर थी। इसी बीच मराठाओं ने रोहिलखंड पर अटैक कर दिया, बट रोहिलखंड पहुंचने से पहले ही मराठाओं के पेशवा माधवराव पेशवा की डेथ हो गई और मराठा आर्मी वापस लौट गई। इसके बाद नवाब ऑफ अवध ने रोहिलखंड से प्रोटेक्शन मनी जो 40 लाख तय हुआ था वो मांगा, बट रोहिलखंड ने बोला कि वॉर तो हुई नहीं, अब बिना वॉर के पैसे देने का तो कोई मतलब है नहीं। अवध के नवाब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसने वॉरेन हेस्टिंग्स से मिला और उसने रोहिलखंड पर अटैक करने की बात की। वॉरेन हेस्टिंग्स और नवाब ऑफ अवध दोनों ने मिलकर रोहिलखंड पर अटैक कर दिया और ये था रोहिल्ला वार। चलिए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वॉरेन हेस्टिंग्स के रूल में। तो नेक्स्ट था सुप्रीम कोर्ट, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, और इसकी पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थी वो एलिजा इम्फे थी। इसके बाद ट्रेजरी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना जो कि पहले मुर्शिदाबाद में था उसको शिफ्ट कर दिया गया था कैलकटा में। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो बेसिकली वॉरेन हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया 1784 में। इसकी स्थापना की क्योंकि अंग्रेजों का इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा था, साथ ही भगवत गीता का फर्स्ट टाइम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसी टाइम पीरियड में हुआ, और ये बुक लिखी थी चार्ल्स विल्किंस ने, और इस बुक का इंट्रोडक्शन खुद वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो इस टाइम पीरियड में हुआ था वो था 5 ईयर्स सेटलमेंट। बेसिकली इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि फार्मर से एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल सकता है, और मुगल्स टाइम से ही रेवेन्यू कलेक्शंस की जिम्मेदारी जमींदार की थी, बट जमींदारों की संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को बिडिंग प्रोसेस के लिए इनवाइट किया और तय हुआ कि सबसे ज़्यादा बोली या फिर कोटेशन देने वाले फार्मर को जमींदार बना दिया जाएगा। कुछ लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। इस प्रक्रिया के बाद ब्रिटिशर्स को कुछ और जमींदार मिल गए। जमींदारों को आम लोगों को पुलिसिंग करने की पावर दी गई और आम लोगों के फैसले भी वो कर सकते थे, अपनी अदालत चला सकते थे। इसके अलावा वो फार्मर से कर वसूलते थे और तय की गई रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सब कुछ इतना सही नहीं था। जमींदार ने अपनी पावर एंजॉय की, फार्मर से कर वसूला, मगर तय की गई रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दी। बट
क्योंकि एग्रीमेंट 5 साल का था, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने इस 5 साल के एग्रीमेंट को चेंज करके 1 ईयर सेटलमेंट कर दिया। बट इशू तो वहीं का वहीं था। जमींदार आते थे, ऊंची से ऊंची बोली लगाते थे, पर साल के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को तय रकम नहीं दे पाते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल, जो हैं जॉन मैकपर्सन। इन्होंने मात्र 1 साल रूल किया और इनके रूल में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट भी नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से गवर्नर जनरल हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने रूल किया था 1786 टू 1793, और उसके बाद सर जॉन शोर, जिन्होंने रूल किया 1793 टू 1798। तो इन दोनों गवर्नर जनरल्स की डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि कल तक अपलोड हो जाएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।